नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 20 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य का आदिवासी बहुल मांडला क्षेत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है कुनरिया गांव, यहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,570 करोड़ रुपये की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश सरकार के ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की थी। अब इसको लागू कर दिया गया है। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नंबर 7659 योजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान लॉन्च किया। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। खबरों में रहा साके सागर झील मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। एक काम करते हैं, मध्य प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की। रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। राला मंडल सेंचुरी न्यूज़ में है। प्रतिभा खोज अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद को DSP नियुक्त करने का फैसला किया था। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की बाउंड्री ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भोपाल कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रवि मालीमात। 52 जिले हैं लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पोषण नेशनल पार्क। तो ये तो बात करी हमने मध्य प्रदेश के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अल्केश कुमार शर्मा, सी ऑप्शन। ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं जो भी न्यूज़ में थे। पुनीत राजकुमार, इनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा। नुकुलफोम विटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, नागालैंड से हैं ये। संजय अरोड़ा, इनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया। अमर मित्रा, इनको ओ हेनरी अवार्ड दिया गया। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष चुने गए। कन्नन सुंदरम फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। शशि थरूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शिविलियर दीला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। मरीना तबसुम लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी हैं। रामधर सिंह US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये बना है गोवा। तो डी ऑप्शन, गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। ये गोवा की लोकेशन है, ये देखिए आप। महाराष्ट्र, कर्नाटका, 2 राज्यों के साथ
गोवा की बाउंड्री ये शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पणजी कैपिटल है जो मंडोवी रिवर के किनारे है। 30 मई 1987 में फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है, पी एस श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव, और ये गोवा, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। रायतोरम लेक, बोंदावा लेक, दोनों लेक गोवा में है। सलुविनीम डैम, ये भी गोवा में है। दो जिले हैं गोवा में, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, मोलम नेशनल पार्क, कोटेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ये तो बात करी हमने गोवा की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, चौथी भारत और किस देश की सामरिक वार्ता 18 अगस्त 2022 को मनीला में आयोजित की गई थी। तो फिलीपींस इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है, करेंसी केनियन शिलिंग है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, करेंसी फिलीपींस सीपो है, प्रेजिडेंट बोंगबोंग मार्कोस है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग है, सी ऑप्शन फिलीपींस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये लोकेशन देखिए आप, ये है फिलीपींस, पैसिफिक ओशन में है ये। फिफ्थ क्वेश्चन, 2022 में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया, तो ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, ए ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई और अगस्त के, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे गए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2022 में किस तारीख को मदन लाल ढेंगरा की पुण्यतिथि मनाई गई, तो ये मनाई गई कब, 17 अगस्त को, सी ऑप्शन 17 अगस्त सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने 18 अगस्त 2022 को एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एको बाजार लॉन्च की है, तो ये की है पुरुषोत्तम रूपाला ने, डी ऑप्शन। सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 18 अगस्त 2022 को किस शहर में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया, तो ये किया मुंबई में, बी ऑप्शन जो है मुंबई, एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया, तो ये 19 अगस्त को मनाया गया, ए ऑप्शन 19 अगस्त, ये नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रखिएगा 19 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल जाकड़ का संबंध किस क्षेत्र से है, एक सेकेंड बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो 10th क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है शूटिंग, राहुल जाकड़ का संबंध ये शूटिंग से है, बी ऑप्शन, ये 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगी, कर्नाटक सही आंसर है। अगस्त 2022 में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, केन्या सही आंसर है। भारत और किस देश की संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक 17 अगस्त 2022 को बैंकॉक में आयोजित की गई, थाईलैंड सही आंसर है। 16 अगस्त 2022 को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, 136वीं। भावना डेहरिया ने माउंट एवरेस्ट रूस पर चढ़ाई पूरी की, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, ये 6th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगस्त 2022 में किसको जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है, किस राज्य के मुख्यमंत्री PC तमांग ने 15 अगस्त 2022 को राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए 2 योजनाओं अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस क्षेत्र से है, 2022 में किस तारीख को मदन लाल ढेंगरा की पुण्यतिथि मनाई गई, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू।